इन्हीं अपील के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं और प्रेसिडेंट के परमिशन से मैं अभी आई हुई है हमको सपोर्ट करने के लिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की नेशनल जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड अमरजीत कौर, मैं उनसे निवेदन। इंस्टीट्यूशन को खत्म करने की बात हो रही है, इंस्टीट्यूशन को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हवाले करने की कोशिश हो रही है, उस कोशिश को हम लोग पीछे धकेलेंगे और या एनईपी को विथड्रो करने की लड़ाई, देश के लोकतंत्र को बचाने की भी लड़ाई है या देश के संविधान को भी बचाने की लड़ाई है, हमारी रोजी रोटी से अलग देश के लोकतंत्र पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसको बचाने की लड़ाई है। हम लोग साथ साथ चलेंगे, साथ साथ लड़ेंगे और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में सरकारें मजबूत होगी, जो सत्ता है वह मजबूत। मैं डॉक्टर द्विवेदी, वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन। हमने मुख्य रूप से एनईपी को वापस जाए पर देश भर के शिक्षक यहाँ आंदोलन पर हैं। शिक्षा का बाजीगरीकरण नहीं होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए हम लोग बहुत सारे लड़ रहे हैं, लड़ाई हमारी तब तक रहेगी जब तक शिक्षा सबके लिए सुलभ नहीं हो जाएगी। यह सिर्फ हायर एजुकेशन का मामला नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन और इंटरमीडिएट एजुकेशन के भी बाजीगरीकरण का विरोध करते हैं और आज देश भर के शिक्षक अपने प्रमोशन मांग को लेकर ओल्ड स्कीम की मांग को लेकर और नई शिक्षा नीति जिसकी शिक्षा की व्यवस्था को ही ध्वस्त दिया गया है लेकर आज यहां जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर ट्रेड यूनियन फेडरेशन के लोग हैं, तमाम राजनीतिक दल के वे लोग जो इस बाजारीकरण के विरुद्ध रहते हैं, ये सब हमारे साथ हैं। ज्वाइंट फोरम के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, बेसिक शिक्षक कुछ संख्या में हमारे साथ उपस्थित है। संगठन का कार्य जायज मांग को लेकर अड़े रहना है, ये सरकार की हर धंधा है। ये पहली बार हुआ कि कोई नई शिक्षा नीति जारी की और इस पर हमारे एसोसिएशंस के लोगों जो रिप्रेजेंटेशंस दिए सुना नहीं किया। यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय हमसे बात करना चाहता है, ये केंद्र सरकार की हमदर्दी है, हमको विश्वास है कि हमारी कभी ना कभी सफलता की ओर जरूर जाएगी। यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। वी आर फ्रॉम स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जेएफएमई। Our worthy president here is K.C. Krishnan from Kerala and myself C.N. Bharti, General Secretary from Haryana. आज जो ये प्रोग्राम है ये JFM प्रोग्राम है, ज्वाइंट फॉरम फॉर मूवमेंट ऑन एजुकेशन, और इसके अंदर शिक्षा क्षेत्र से जुड़े तमाम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लेक्चर टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, अभिभावक हैं, राइट टू शिक्षा एजुकेशन के संगठन हैं। तो हम सब जो अगर संक्षिप्त बात करूं, बहुत छोटी बात करूं, सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई है, उसके तीन स्टैंप हैं, सेंट्रलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन, कम्युनलाइजेशन। हम जो मांग करते हैं देश के 140 करोड़ भाई और बहनों के बच्चों के, हम चाहते हैं निःशुल्क, अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। 21वीं सदी में जो देश का निर्माण करने जा रहे हैं उसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण रोल है। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को पालो अनाज देते हैं जिंदा रहने के लिए, तो वो बच्चे प्राइवेट शिक्षा नहीं ले सकते, पेट की भूख के बाद में शिक्षा है। तो आज समाज को शिक्षित करने के लिए फ्री कंपल्सरी क्वालिटी एजुकेशन की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि ऐसी शिक्षा नीति लागू हो जो रिजर्वेशन का ख्याल रखे, फ्री दे, ब्रेकफास्ट दे, लंच दे, सब बच्चों को किताबें दे, वर्दी दे, प्रबंध करे और बच्चे पढ़ेंगे तब स्कूल के अंदर टीचर होंगे, तो सभी टीचर का प्रबंध करे।
लाखों की संख्या में पोस्ट खाली हैं हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग राज्य, और लाखों की संख्या में कच्चे कर्मचारी अध्यापक काम कर रहे हैं, वो अपने भविष्य के बारे में जब संतुष्ट नहीं है तो वो बच्चों को संतुष्ट कैसे करेंगे। तो उनको संतुष्ट करें, पक्का करें। और एक दूसरा मुद्दा पूरे हिंदुस्तान में कर्मचारी और अध्यापक आगे है, वो है पुरानी पेंशन स्कीम। आज मैं ये आपको स्पष्ट करना चाहूँ, आज तीन तरह के कर्मचारी अध्यापक है, एक पुरानी पेंशन स्कीम में, एक NPS जो राष्ट्रीय पेंशन स्कीम, और एक बड़ा वर्ग है जिसको कुछ भी नहीं मिल रहा, ना NPS मिल रहे ना OPS मिल रहा, और हो क्या कच्चा कर्मचारी उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो हम मांग करते हैं 100% कर्मचारी अध्यापक को पुरानी पेंशन मिले, उनके बुढ़ापे का सहारा ये सरकार ना छीने, ये MLA MP ये मिलिट्री पर्सन और बहुत लोगों को पुरानी पेंशन दी जा रही है। जब ये खुद पेंशन ले रहे हैं तो हमारी एक पेंशन 35-40 साल की नौकरी पे क्यों खत्म की गई है। हम मांग करते हैं टोटल कर्मचारी को पुरानी पेंशन मिले, शिक्षा नीति ऐसी जो तमाम बच्चों को फ्री कंपलसरी क्वालिटी एजुकेशन का प्रबंध करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ध्यान रखे, अंधविश्वास को मिटाए, धार्मिक कट्टरता को मिटाए, बराबरी का संदेश दे, ये हम कहना चाहते हैं। फ्यू वर्ड्स फ्रॉम आवर प्रेसिडेंट। सर प्रेसिडेंट पेंशन विरोधी है, वह हमारी जो विविधताएं हैं पूरे देश में उसके खिलाफ है, वह ग्रांट से लोन की ओर पूरे एजुकेशन सिस्टम को ले जाता है, और इसीलिए हम उसके विड्रॉवल की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से पार्लियामेंट था, असेंबली बंद था, पूरा लॉकडाउन था, उसमें लागू किया गया है NAP बिना स्टेक होल्डर से डिस्कशन, इसलिए हम उसको मांग रहे हैं। सरकार बात खत्म कर दी है, सरकार नहीं करना चाहती है, वह है बात से, इसे हम विड्रॉ करने की मांग कर रहे हैं। लंबे वक्त से मांग रही है, सरकार नहीं रही है, क्या विकल्प है? हमारे पास विकल्प आंदोलन के सिवा कुछ नहीं। हम लोग डेमोक्रेसी विश्वास करने वाले लोग हैं, और हम समझते हैं कि हम अपने आंदोलन को और तेज करेंगे, आने वाले दिनों में स्टेट में ले जाएंगे, लोकल इश्यूज से ले जाएंगे, स्ट्रीट में ले जाएंगे, और NEP अपील करने के लिए मजबूर करेंगे। दूसरी मांग है हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम, जब से 2004 के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म हुआ है और नई पेंशन स्कीम आया है, तो इम्प्लाइज बहाल हो रहे हैं, उसको पेंशन के स्कीम ठगा जा रहा है, उनको कोई पेंशन लाभ नहीं मिल रहा, इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का आप जाओ। कई राज्य वह लागू भी हो चुका है, कमिटी चुकी है, 2024 चुनाव ओल्ड पेंशन स्कीम अपील ऑफ भी एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। जो विपक्ष की पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन बनाई है, उनके मिनिमम एजेंडा में हम उनको शामिल करने के लिए प्राइज कर रहे हैं कि अगर आप सत्ता में आते हैं हमारे डिमांड को आपको कंसीडर करना होगा। यही कौन कौन से लोग आए अभी? तो हमारे साउथ से आए हुए हैं केरल के रिप्रेजेंटेटिव्स, तमिलनाडु के, कर्नाटक के, उत्तर प्रदेश के, तेलंगाना के, और आप कि पंजाब, हरियाणा, UP, बिहार और तमाम राजस्थान, करीब करीब जम्मू कश्मीर के तक हमको नहीं दिखे हैं, जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सब राज्य के कमोबेश रिप्रेजेंटेटिव सारे में मुख्य रूप से ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद फेडकूटा आप जानते हैं, फेडरेशन ऑफ सेंट्रल टीचर्स एसोसिएशन, उसके बाद NEP हम लोग जो बनाए हुए हैं थी क्या कहते हैं जॉइंट फॉर मूवमेंट एजुकेशन, उसके अंदर 24 ऑर्गेनाइजेशन, उस प्राइमरी टीचर से, सेकेंडरी टीचर से, नॉन टीचर एसोसिएशन से, और सारे एक साथ सेव एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन है, वे सारे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ शामिल है, और लोग एक साथ मिलके हम NEP तमाम डिमांड पर काम कर रहे हैं।